अफगानिस्तान ने बता दिया कि हम किसी के दम पे टॉप एट में या सुपर एट में जाने वाले न थे न है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हर साल जो है किसी ना किसी का पकड़ के भाई मेरे को भी ले जाए यार आज ऐसा लग रहा है मुझे कि अब हमें अपने लोगों को सिखाने के लिए शायद अफगानिस्तान भेजना पड़ेगा। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी इंप्रूव कर गई है, अगर कंपैरेटिवली हम दिखाई दें यहाँ पर, जैसे वो वर्ल्ड कप में हमें मार के चले गए इंडिया में, वो तो सारे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी क्रिकेट आगे जा रही है, हमारी क्रिकेट पीछे आ रही है। मैं वाकई में ये बात कह रहा हूँ कि कल ऐसा ना हो कि हमें अपने स्पिनर्स को सिखाने के लिए राशिद खान के पास भेजना पड़े। न्यूजीलैंड को हरा कर गए हैं, यूएसए से हारे नहीं है, वो न्यूजीलैंड को हराकर सुपर एट में गए हैं घंटे के। लामिया कल बारिश ना हो और कल यूएसए जो है वो आयरलैंड से हार जाए, फिर हम आयरलैंड को हरा जाए। कुल्लुन पाकिस्तानियुन दुआउन वक्तुन शुरुन। शुरुन शुरुन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आपका सुपर पावर इंडिया न्यूज में। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि भारत और अफगानिस्तान ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सुपर एट में क्वालिफाई कर लिया है और यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ी बुरी तरह से बौखला चुके हैं। दरअसल आप सबको पता है कि पाकिस्तानी हमेशा अफगानिस्तान का मजाक उड़ाते थे जिस तरह से अफगानिस्तान पहले खेलता था, लेकिन अब अफगानिस्तानी लोग पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान लगभग आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। और यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ी अपने ही टीम पर और अपने ही क्रिकेट सिस्टम पर बुरी तरह से बरस रहे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ियों का एंग्री रिएक्शन इस वीडियो में। भाई मुबारक हो, अफगानिस्तान हिंदुस्तान की लिस्ट में आ गया है टॉप 8 में। अफगानिस्तान ने बता दिया कि हम किसी के दम पे टॉप एट में या सुपर एट में जाने वाले न थे न है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हर साल जो है किसी ना किसी का पकड़ के भाई मेरे को भी ले जाए यार लेकिन अफगानिस्तान की टीम अपने दम पे, अपनी बॉलिंग लाइनअप के जोर पे और अपनी बैटिंग लाइनअप के जोर पे जो है सुपर एट में क्वालिफाई कर गया। भाई तालियां बजाओ इसी बात में भाई, मां का पटा पजामा भाई बधाई हो भाई, बधाई हो। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अफगानिस्तान बहुत बुरे ग्रुप में फंस गया भाई, अफगानिस्तान का यहां से निकलना भाई बिल्कुल ही नामुमकिन है। अच्छा हम पूछते थे गरीब लोग भाई क्यों नामुमकिन है दोस्त, कहते थे भाई न्यूजीलैंड है यहां पर, यहां पे न्यूजीलैंड है, यहां पे वेस्ट इंडीज है, ये तो तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। अरे भाई हमने न्यूजीलैंड को गरीब भेज दिया हमने कहा भाई वेस्ट इंडीज को छोड़ो, पहले तुम जाओ घर, क्योंकि पिछले साल तुम्हारा हिसाब झुकाना है भाई वेल डन यार, वेल डन। आज आयरलैंड वर्सेस अमेरिका का जो है मैच है, अगर आज यूएसए आयरलैंड से जीत गया तो भाई आज किसी और को भी घर जाना है भाई क्योंकि भाई श्रीलंका न्यूजीलैंड और एक हाथ टीम में तो पहले से ही जा चुकी है, लेकिन आज एक बंदा और भी जाएगा समझ रहे हो ना कौन जाएगा, मुझे नहीं पता कौन जाएगा यार, कोई ना कोई तो जाएगा आज, या यूएसए जाएगा या पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि भाई इन दोनों की जिंदगियां जो है वो एक दूसरे पे लटक रही है। यूएसए तो फिर भी ठीक है भाई, उसने दो मैच जीते हैं, बढ़िया करके जीते हैं भाई, वो तो आराम से बैठा हुआ है, लेकिन यार ये जो हमारा पड़ोसी है ना, इनका हर साल यही रहता है, इनको बड़ी प्रैक्टिस हो गई है इस चीज में, कितना जबरदस्त कैलकुलेट कर लेते हैं, पला पला से जीत गया, ये पला उससे हार जाए, पला इसे जीत जाए तो हम क्वालिफाई कर लेंगे। अबे कब तक दूसरों के पकड़ के लटकते रहोगे भाई, कभी खुद के दम पे भी कुछ कर लिया करो, खुद में दम ही नहीं है साला मेरे कानों में ना ये वर्ड चुभने लगा है, बाबर रिजवान, बाबर रिजवान, मतलब ठीक है आप प्लेयर हैं, ठीक है बस ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद नबी जैसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कितनी स्ट्रगल करी, लेकिन फिर भी वो भी अफगानिस्तान के कैप्टन नहीं, और कैप्टनशिप पे लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, हमारे यहाँ यही मसले नहीं आ रहे। देखिए बात सारी ये हो रही है, जैसे आपने अभी बात की कि नबी का इनके बहुत सारे प्लेयर जो थे वो आके हमारे यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे, ये पिशावर में ही ग्रूम हुए हैं, उनकी सारी क्रिकेट यहाँ पर हुई है, हमने इनको बांग्लादेश को और अफगानिस्तान को मौका दिया कि आप आके, उस ज़माने में हमारा विल्स कप हुआ करता था, वो वहाँ पर आके पार्टिसिपेट किया करते थे, हमने इनकी क्रिकेट को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और आज ऐसा लग रहा है मुझे कि अब हमें अपने लोगों को सिखाने के लिए शायद अफगानिस्तान भेजना पड़ेगा। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी इंप्रूव कर गई है, अगर कंपैरेटिवली हम दिखाई दें यहाँ पर, देखिए हमने रिसेंट पास में अफगानिस्तान से जो मैचेस जीते हैं उनमें कभी आसिफ अली ने 4 छक्के मार दिए, कभी नसीम शाह मार के चले गए, हमारे बैटर्स ने, हमारे बॉलर्स ने तो मैचेस जिताए ही नहीं है उनके खिलाफ,
के कमांडिंग पोजीशन से वो वर्ल्ड कप में हमें मार के चले गए इंडिया में, वो तो सारे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी क्रिकेट आगे जा रही है, हमारी क्रिकेट पीछे आ रही है। मैं वाकई में ये बात कह रहा हूँ कि कल ऐसा ना हो कि हमें अपने स्पिनर्स को सिखाने के लिए राशिद खान के पास भेजना पड़े। हमने उनको बनाया, हमने उनको तैयार किया, और उसके बाद मैं आपको बिल्कुल ये मोहसिन नकवी साहब भी सुन रहे हैं, तो सर अगर कोई स्पिनर्स बनाने के लिए वहाँ अपने खिलाड़ियों को भेजना पड़े तो आप कोई बुराई नहीं रही है इसके अंदर। अब शायद हमें अपनी क्रिकेट सीखने के लिए दोबारा से अफगानिस्तान जाना पड़ेगा, हम इस मैच पे आ गए, आपका कसूर नहीं है, आप तो अभी आए, लेकिन अगर आप सही नहीं कर सके तो आपका सबसे बड़ा कसूर होगा। 2010 एंड 2011 में अफगानिस्तान की टीम राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी में आई भी थी, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी, और उस वक्त उनको कोई भी नहीं जानता था, हमारा वुमेन्स का वहाँ पे कैंप लगा हुआ था। तो ये बात है 15 इयर्स में उनकी क्रिकेट इतनी आगे चली गई कि आज वो सुपर 8 खेलेंगे और पाकिस्तान की टीम इज नो वे। पाकिस्तान की टीम इस वक्त गांव पे चल रही है, और अफसोस इस बात का होता है कि लेकिन जो टीम मेहनत करती है उसके लिए चाहे हम कुछ भी कह लें, जब आप मेहनत करते हैं तो वो कहते हैं ना जब चांद निकलता है या सूरज चढ़ता है तो सब देखते हैं, तो ये अफगानिस्तान टीम की इस वक्त में एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है, और हम लोगों को तो ज़ाहिर शर्म आनी चाहिए। और ये हमारा लेवल देखें कि हम इस पे आ गए कि आयरलैंड और यूएसए के मैच पे हम दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह करे यूएसए हार जाए। देखिए हम ऊपर ऊपर से तो बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान डिजर्व ही नहीं करता आगे जाना, विच इज वेरी ऑनेस्ट स्टेटमेंट, लेकिन दिल से हम चाह रहे हैं कि अल्लाह करे बारिश ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम किसी तरह आगे चली जाए, बारिश ना हो और आयरलैंड भी हरा दे। बिल्कुल, ये तो कोई सोच ही नहीं रहा, क्योंकि यूएसए इस वक्त इतना जबरदस्त जा रहा है, वी नेवर नो कि क्या पता यूएसए 2 पॉइंट्स लेके आगे चला जाए। तो हम दुआ तो यही करेंगे कि बारिश ना हो, क्योंकि वी वांट टू सी पाकिस्तान इन द सुपर 8, और ये बात सोची भी नहीं जा रही कि पाकिस्तान सुपर 8 से पहले बाहर हो जाए। बस यही दुआएं जी कि अल्लाह मियां कल बारिश ना हो और कल यूएसए जो है वो आयरलैंड से हार जाए, फिर हम आयरलैंड को हरा जाए। कुल्लुन पाकिस्तानियुन दुआउन वक्तुन शुरुन, शुरुन शुरुन करते हैं जी। पाकिस्तान क्रिकेट पे लानत भेजता हूं मैं, ये बात अगर मैं बोलूं तो ये बात गलत नहीं होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं होगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट दफन हो चुकी है, पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका है, पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपोज हो चुकी है, पाकिस्तान क्रिकेट का घंटा बज चुका है। अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान जिसका पाकिस्तान में मजाक उड़ाया जाता है, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, अफगानिस्तान सुपर 8 में चला गया और क्या आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल के वो गए हैं, कोई किसी पर उन्होंने डिपेंड नहीं किया कि यार कोई हमें जिताएगा या वो उससे जीतेगी तो मैं इससे हारूंगा तो ये इस तरह करेगा, अपनी बेस पे वो गए हैं, अपनी एबिलिटी वो गए हैं, अपनी एबिलिटी पे उन्होंने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया है, और उस ग्रुप में सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करके गए हैं जिस ग्रुप में न्यूजीलैंड जैसी टीमें थी, मतलब वो न्यूजीलैंड को हरा कर गए हैं, यूएसए से हारे नहीं है, वो न्यूजीलैंड को हरा कर सुपर 8 में गए हैं घंटे के। तो देखा दोस्तों, पहले भारत और अब अफगानिस्तान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंचने के बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान का भविष्य इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज खेले जाने वाले अमेरिका और आयरलैंड के मैच पर निर्भर है। यदि आज अमेरिका जीत जाता है तो पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, और यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से रो रही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।